चार बंदे देख लिया हरियाणी में गाना चला के नाचने लग गए माहौल के अंदर बेइज्जती कर दी और गाना पता क्या था कर डाइजो का मेकअप बने जूही चावला बंद कर जैकेट थोड़ी पतली थी चल मेरी पहले मैंने कहा फट जाएगी बस पे बकवास कर रहा है जहाँ मेरे कपड़े मैं देखता नहीं कहता पहले मैं ट्राई कर लूँ मोटू बता दे यूनिसेक्सी होगा ना यूनिसेक्सी होगा यूनिसेक्स ही होगा हाँ यूनिसेक्सी होता कपड़े हम लेते हैं यूनिसेक्स ताकि मेरे ये पहले और इसके बोल रहा है फीमेल वाली शर्ट खरीदता है सारी वुमेन्स वाली कहीं के भी बटन पहन के चला जाता है ऑफिस तुझे पता कुछ पता अब ये वाला स्वेटर मांग लेगा ये मेरे से मुझे पता है ना क्या करूँ और जो इसके सारे खटाप खचड़े कपड़े हो जाते हैं मुझे कहेगा मोटू तेरे मैंने शर्ट निकाली मैं सोचती हूँ नहीं लाएगा बटन टूटा कहीं से छेद हो रहा है ऐसा लेकिन कम से कम हिंदी बोलने तो सीख ले हनुमान है वो तो बस की तुम्हारे कुछ नहीं है होगा तुमसे कुछ नहीं फल जिया तुम्हारा काम पहला प्यार पहला ही होता है यार पहला जिम मेरा पहला प्यार बात तो सही है स्टार्टिंग ओ भाई चटक गया तो नहीं होता मैं भी जिम जा रहा हूँ मेरे तो कुछ नहीं होता तुम्हारे पता नहीं कौन से फर्जी वाले जिम में जा रहे हो तुम लोग अभी परसों चटका आया था तूने तेरा हाथ मैंने मैं तो बड़े जिम में जा रहा हूँ मेरे को कुछ भी नहीं होता भाई अपन बढ़िया जिम में रह रहे हैं अब वो बड़ा तो हो जाए तब तो बड़े जिम जाएगा हाँ भाई वैसे कभी तो बहुत कम ज्ञान देती है लेकिन आज शिंटू भैया का ज्ञान सुनो हाँ बताइए क्या कह रही थी यार तुमने हंसा देता है मैं जब सीरियस टॉक कर रही होती ना तो सीरियस रहा सीरियस टॉक यस प्लीज मेरा कहने का मतलब था भगवान हाथ मतलब कम लोग मतलब दो हाथ होते हैं सबके पास सही बात है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सबके पास होते हैं मतलब मैं वैसे बात कर रही ठीक मतलब जो फिजिकली फिट है उनके पास दो हाथ है ठीक है प्रायोरिटी हम किसको बनाते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से कोई सीधे हाथ से खाना खाना पसंद करता है कोई उल्टे हाथ से खाना खाना पसंद करता है काम दोनों हाथ का ही हो रहा है लाइफ में लेकिन हम जिसको प्रायोरिटी बनाते हैं ना वो काम जल्दी होता है मतलब कि हमने प्रायोरिटी अपने राइट हैंड को बनाया जैसे मैंने अपनी प्रायोरिटी सीधे हाथ को बनाया अब मैं सीधे हाथ से जब खाना खाऊंगी तो मैं सारे काम जल्दी करती जाऊंगी मैं खाना भी जल्दी खा लूंगी लिख भी जल्दी लूंगी नहा भी जल्दी लूंगी सारे काम सीधे हाथ से जल्दी कर लूंगी वहीं काम उस काम को करने के लिए मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो भी उतना ही सक्षम है कैपेबल है कि वो कर सकता है वो काम लेकिन मैंने उसको कभी वो प्रायोरिटी नहीं दी तो वो कैसे करेगा इसलिए उसको ट्रेन नहीं किया करेंगे मतलब एग्जैक्टली ऐसे हमारी लाइफ में भी होता है हम कुछ डिसीजन लेते हैं जैसे हम यूट्यूब को लेके अभी हम सोच रहे थे अभी अगर मैं अपने यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम दूँ ना अब जैसे अपनी जॉब को प्रायोरिटी ना करके यूट्यूब को प्रायोरिटी कर दूँ तो वो इनफैक्ट नंबर्स में आना उस पर शुरू होगा जॉब में तो मुझे बहुत वाहवाह मिलती है नो डाउट यानी कि गलती हमारी है वहाँ पे मैं ग्रीन नंबर में रहती हूँ हमेशा कोई वो प्रॉब्लम नहीं रहती वो ग्रीन यहाँ पे लेकिन वो मेरी लाइफ का पार्ट नहीं उसे मुझे करने में खुशी नहीं है नहीं काम खुशी मेरी यहाँ पर है तो मैं इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रही ये मेरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ व्यू और तू समझ जा गैस जलती रहनी चाहिए समझी मतलब गैस जो बता दिया मतलब किसी भी काम करने के लिए आपके दिल में उस चीज के प्रति डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी वो कम ऑन ऑफ नहीं होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑन इसका एग्जांपल भी डालती हूँ गाजर का हलवा पक रहा है गाजर के हलवे को पकने में 2 घंटे लगते हैं ठीक है वहीं पे आप उसे क्या करो जला के रहे 10 मिनट के बाद बंद करके आ गए फिर उसके बाद जलाओगे फिर बंद कर आ जाओगे थोड़ी थोड़ी देर में वो पकने में 3 दिन लगा देगा वहीं जला के कंटिन्यूसली 2 घंटे रखो बन बना के खा भी लोगे जल्दी और अगली बार बनाने की भी जल्दी सोच लोगे वरना 3 दिन तो सिर्फ उसको बनने में लग जाएगा नहीं तो 3 दिन तो उसे बनने में वाइडली गैस जल्दी रहनी चाहिए वही दिमाग भी वही है कभी बनता है कभी वो We will win, bro. बदतमीज आदमी है ना ये तो ना सबका बदतमीज है चार बंदे देखे नहीं हरियाणी में गाना चला के नाचने लग गए माहौल के अंदर बेइज्जती कर दी गाना पता क्या था कर डाइजो का मेकअप बने जूही चावला बंद कर रहे कॉपीराइट आ जाएगा तूने बोला गाने सुनने मुझे अंदर जा रहे मूवी देखने मैं थप्पड़ मार दूंगी मेरे साथ नहीं होती मत कर नहीं यार यार थप्पड़ खाएगा चला ना चला बेटा छोटे छोटे अभी भी खिलवा नहीं वो पीटू मैं आऊं मेरे कदम से मूवी शुरू हुई आज हां हम भी चल रहे हैं
टेन चल लेते छोटे छोटे बच्चे हमारे आगे। चल भाई जय श्री राम। चल झिल्डू भाई कौन सी अपनी पीटू 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 तो पिटे गया ऊपर इधर इधर बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी हम आया अकेले मूवी देखने पूरा हॉल बुक किया हमने। ये बच्चे को शारीरिक अब अच्छी चीज देखने बहुत कम लोग आते हैं झिल्डू भाई इसको पता नहीं है कुछ भी अभी होती ना कोई रोमांटिक मूवी 695 राम मंदिर की राम जन्मभूमि की गाथा वो जरूर देखने जाएंगे हम। मैं बोल रहा हूँ अगर अभी कोई रोमांटिक मूवी होती ना भरा पड़ा होता आज के सारे कॉलेज के बच्चे यही बट फिर भी आजकल का युग थोड़ा सा चेंज हो गया मेरी वजह से चेंज हो गया। हां तेरी तेरी जैसे वो तो बिगड़ जाए कहां है P1 P2 ये रहा P1 थोड़ी सी टिकट देंगे रे बुखार में तेरी पड़ेगी भारी फौरन शुरू P1 P2 क्यों होगा दिमागी बुखार पूरी खाली पड़ी है ऊपर की मिल गई इसलिए अरे नहीं तो टूटी भी है तो कुछ भी ये दे छुड़ा ले बड़े तू सही हनुमान जी मूवी देखने आए संकट कटे में। भाई जो सोचा था वैसे तो निकली वो हमारी तरह थंबनेल वाला सीन हो गया जब लगाते कुछ है, निकलता कुछ है बट स्टिल मैसेज ठीक है कि हाँ मतलब सुपर हीरोज को सुपर हीरोज के ऊपर मूवी थी जैसे कि बैटमैन वगैरह होते हैं स्पाइडरमैन वगैरह होते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं बच्चे इतने एडिक्ट हो जाते हैं पागल हो जाते हैं तो वही हनुमान जी की थोड़ी शक्तियों के बेसिस पे दिखाया है। हम मुझे ऐसा लगा था भगवान जी के ऊपर कोई उनकी स्टोरी से रिलेटेड होगा लेकिन वो कुछ ऐसा और जिस हिसाब से मैंने रिव्यूज देखे थे तो मुझे लगा कुछ होगा होगा कुछ होगा बट वो बच्चों का बच्चों की और कॉमेडी मूवी है थोड़ी सी काइंड ऑफ अपना थोड़ा सा पोपट कर गया। मुझे तो नींद आने लगी थी शुरू में तो बहुत बकवास लगी हम इंटरवल तक भी नहीं रुके बीच में आ गए। हाँ तो अब क्योंकि यार एक तो वैसे 8 बजे ऊपर से बदतमीज होगा निकल गए हम लोग बदतमीज का मेरी क्या गलती है इसमें मैंने बुक करी थी आई नो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बट स्टिल मूवी अच्छी अच्छी थी मूवी अगर पूरी देखते तो ठीक मतलब ठीक है आपका पूरा टाइम है सब कुछ मजे लेने आना ठीक है लेकिन मजे मजे की बातें हैं मूवी देखने के लिए अच्छी है बट हाँ शुरू तो बहुत ही अजीब कर दिया है यार सुबह शुरू तो बहुत ही अजीब थी मैं तो एक पल को तो मुझे पता ही नहीं चला कि भगवान की मूवी है समझ में नहीं आ रहा हो गया थोड़ा वो गाँव गाँव वाला सीन आया तो जाके थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ हाँ अब तो कुछ हो रहा है तब जाके थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई मूवी वरना तो क्लेवर मूवी है भाई। अब चलते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर घर चलते हैं यार रात हो गई है। एक तो मेरी जैकेट पहन ले ठंड में मैं क्या पहनूं यार पहन ली वही नहीं चली क्या हो गया। हां नहीं तो गाना ये वाला तेरा इश्क ने थोड़ा कंगला कर दिया अच्छा थप्पड़ ऐसा खाएगा ना मुंह पे सच नहीं बोला मैं ओ सॉरी क्या बोल रही हूं ना कंगला अरे तन्हा बोलना चाह रहा था मैं यू सेड कंगला मैंने तन्हा बोला है पर किया तो वो सना ही है ना अमीर जादी नहीं बनी कंगली किया तो किया तो तना नहीं कंगल का कंगला की अब रहने दे राम 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 तना किया भाई भगवान का नाम लेते हुए झूठ बोला है बेशरम आदमी कंगला नहीं तना किया है जल्दी चल ले यार ठंड हो गई अब दिल्ली में शिमला आया हुआ है हुक्का पिंडा बार नहीं निकल रहा अभी आज इतनी ठंड नहीं है धूप निकली तेज मोटी धूप निकली है मोटी हवा बट एक बात आज धूप निकलने के बाद भी ना ठंडी ठंडी हवा थी तो शिमला वाली भाई भारी थी इतनी बड़ी बात बोली तूने कसम से कोई जानता नहीं है बात बकवास सुनकर तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना डू नॉट स्टॉप अंटिल यू टच द स्काई टिल देन टेक केयर बाय बाय।